मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए और बच्चों का एक वर्ष खराब ना हो। 230 किलोमीटर दूर है मेरा सेंटर मेरे घर से और लगभग कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रही, सो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्स है। एंड मैं ये सिर्फ इतना ही सबको लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा सा समय चाहिए, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने कि आप सितंबर में ना करवाएं। यानी हर चौथा सांसद इस देश का ऐसा है जो 12वीं पास के बाद नहीं पढ़ा, यानी जिसने कॉलेज का चेहरा नहीं देखा है। देश में एक मुद्दा काफी सुर्खियों में है, जेईई और नीट को लेकर, पर यह मुद्दा मेनस्ट्रीम मीडिया की बजाय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। मेनस्ट्रीम मीडिया इस पर ध्यान नहीं दे रहा। कुछ दिन पहले जेईई और नीट की परीक्षा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। याचिका में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों को चलते सितंबर में प्रस्तावित जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी, पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर ये कहा कि कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोका नहीं जा सकता। जस्टिस मिश्रा ने कहा, क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? बच्चों का एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए? खंडपीठ ने कहा कि जेईई और नीट परीक्षाएं पर्याप्त सावधानियों के साथ आयोजित की जाएंगी। जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस फैसले के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने डीडी न्यूज पर अपने इंटरव्यू में जेईई और नीट को लेकर काफी कुछ कहा, पर उनकी बातों से ये साफ था कि परीक्षाएं तो होकर रहेंगी। अब आपने ये चर्चा की है कि जेईई की जो परीक्षा के लिए और नीट की परीक्षा के लिए जो परीक्षा हो रही है, बहुत अभिभावकों के और छात्रों के लगातार हम पर दबाव रहा, साहब आप नीट की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, आप जेईई की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं। अभिभावक इतना परेशान थे कि बच्चा कब तक पढ़ता रहेगा, क्या होगा आखिर, एक एक विषय पर हम छात्र के साथ हम छात्र के साथ हैं, पहले उसकी सुरक्षा उसके बाद उसकी शिक्षा। तो मुझे निवेदन करना है सभी से कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए और बच्चों का एक वर्ष खराब ना हो, इसलिए। और बच्चों ने ये निर्णय लिया है, बच्चों ने ये इसके आंकड़े हैं, प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर सरकार चाहे तो फैसले को बदल सकती है, इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो मैसेजेस के जरिए अपनी परेशानियां बता रहे हैं और सरकार से सवाल और बेनती भी कर रहे हैं। मैं हूँ एक नीट एस्पिरेंट और मैं नरेंद्र मोदी जी से और हमारे HRD मिनिस्टर सर से ये कहना चाहती हूँ कि सर आप हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि जेईई और नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि जो केसेस हैं वो हर रोज़ 60,000-70,000 केस रोज़ के आ रहे हैं और जो हमारी इंडिया, हमारी जो कंट्री है वो थर्ड वर्स्ट कंट्रीज में से एक है। सर आप लोगों का हमारा एग्जाम पोस्टपोन कराना चाहिए, क्योंकि आप हमारी जो हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ रिस्क पे कैसे डाल सकते हैं। हम लोग तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, हम तो यूथ हैं, लेकिन हमारे घर पे जो फैमिली मेंबर्स हैं बहुतों के, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों के घर पे अस्थमा के पेशेंट्स हैं, तो हमारी वजह से हम उनको क्यों उनकी हेल्थ को रिस्क पे डालें, उनकी लाइफ को रिस्क पे डालें। आई एम जेईई एस्पिरेंट। जो मेन इशू है मेरे साथ वो है कि मुझे फूडिंग एंड लॉजिंग का मेन इशू हो रहा है। 230 किलोमीटर दूर है मेरा सेंटर मेरे घर से और लगभग कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रही, सो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्स है। एंड हेल्थ को लेके तो इशू है ही, आप जान रहे हो कि कोविड के में लगभग 60 डेथ्स हुए एंड 8,000 प्लस पॉजिटिव्स आए, सो प्लीज़ पोस्टपोन जेईई। माय क्वेश्चन फ्रॉम द लीडिंग गवर्नमेंट इज दैट अगर किसी बच्चे को इस मास गैदरिंग की वजह से कोरोना हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम से पहले कोरोना हो जाता है तो उसका टेस्ट होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा? इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि बच्चे से फोकस करके एग्ज़ाम दे पाएंगे? एक तो ये मास्क लगाते हैं तो ये ऊपर पूरा ब्लर हो जाता है, ऊपर से ये हैंड ग्लव्स, आई चैलेंज यू कोई 20 मिनट से ज़्यादा ये ग्लव्स पहन के बता देना, नॉट द डॉक्टर्स जिनकी हैबिट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द MHRD मिनिस्टर एंड अदर्स हु आर सेइंग दैट नीट शुड बी हेल्ड ऑन इट्स प्रॉमिस डेट, वो लोग मुझे ये 20 सेकेंड से ज़्यादा पहन के बता दें। देश में अब तक कोरोना के केस 33,00,000 के पार हो चुके हैं, रोज के अब 60,000-70,000 केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में एग्जाम लेने से और भी संक्रमण फैलने के आसार हैं।
आपको बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के मुताबिक 8,58,000 बच्चे JEE की परीक्षा देंगे और 15,90,000 बच्चे नीट की परीक्षा देंगे। परेशानी का कारण ये भी है कि एग्जाम सेंटर के बाहर बच्चों की भीड़ लग सकती है। कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ भी आएंगे तो खतरा तो उन्हें भी हो सकता है। हाल ही में कर्नाटका में लॉ की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया, वहां पर भी BJP की ही सरकार है। वहीं दूसरी ओर एक्टर सोनू सूद ने आज तक पर अपने इंटरव्यू में इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट किए। मुझे लगता है ड्यूटी के बजाय मैं इसको बोला कहूंगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, जरूरत है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद पढ़ाई की है, मैं खुद भी एग्जाम्स में बैठा हूँ और मुझे लगता है कि जब आप एक एग्जाम देने निकलते हैं तो बहुत सारी स्ट्रेस रहते हैं आपके ऊपर, प्रेशर रहता है फैमिली का, खुद का, खुद के करियर का। और हम इस समय जब इस कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर इतनी मुश्किलें हैं हर चीज़ की, ट्रैवल नहीं आप कर सकते, बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति है जो वो ख़राब है। अगर हम बात करें बाढ़ की, बिहार असम बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हो चुका है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो आप सोचिए कि उस दौर के अंदर लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे एग्जाम्स देंगे। मैं ये सिर्फ इतना ही सबको लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा सा समय चाहिए, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, कि आप सितंबर में ना करवाएं, नवंबर में करवाएं, ताकि वो विंडो मिल सके और लोग इन चीज़ों से बाहर निकल सके कुछ हद तक। इसके अलावा क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट करके कहा कि ये बहुत अनुचित है कि भारत के छात्रों को कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए कहा जाता है और लाखों लोग भी अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने शो में ये बताया कि राज्यसभा और लोकसभा में कितने ऐसे मंत्री हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए और कितने पढ़े लिखे हैं। इस देश के भीतर में एजुकेशन को लेकर या कोई बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े इसको लेकर कोई नजरिया इस देश की राजनीतिक सत्ता के पास है ही नहीं। और राज्यसभा में चुने हुए लोगों को माना जाता है कम से कम ये पढ़े लिखे समझदार लोग तो होंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में 24 राज्यसभा में सांसद ऐसे हैं जो 8वीं और 12वीं पास हैं, यानी इन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा है। लोकसभा की स्थिति तो इतनी बुरी है वो कल्पना के परे है, जो लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2014 में 70 MPs ऐसे थे जो 10वीं पास, 12वीं पास या जिन्होंने कहिए मैट्रिक की परीक्षा भी पास नहीं की थी, उसकी तादाद लगभग 70 MPs की थी। और 2019 में 146 सांसद यानी हर चौथा सांसद इस देश का ऐसा है जो 12वीं पास के बाद नहीं पढ़ा, यानी जिसने कॉलेज का चेहरा नहीं देखा है। अगर हमारे मंत्री इतने पढ़े लिखे होंगे तो ये हाल तो होना ही था। NTA ने स्टूडेंट्स के दबाव बनने के बाद कुछ फेरबदल किए हैं। JEE और नीट के एग्जामिनेशन के सेंटर को 570 और 2546 से बढ़ाकर 660 और 3843 कर दिया गया है। वहीं विपक्ष के द्वारा भी 7 मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये मुद्दा उठाया गया और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने की बात की, जिसका पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी समर्थन किया। Then we, as a state government, because we are also elected government, this will be my request to all the state government. Let us do it together. Let us go to Supreme Court and let us request them to postpone it for the timing unless the situation allows students to sit for exam. And more than 25.50 lakhs, it is not a joke. Even there is a system for online exam, but medical no. From where they will be coming, where they will be going, how they will be going. Even mentally also they are not prepared for this. Now all the educational institutions are closed. आज की बात करें तो आज ज्यादा फैला हुआ है, तो जून में अगर हम परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं थे तो आज ये जब संकट बढ़ गया तो हम कैसे परीक्षा ले सकते हैं, एग्जाम कैसे ले सकते हैं। और इसीलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जितने सेमिस्टर हुए उसको एग्रीगेट कर मार्क्स दिए जाए, बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। ऑन दिस इशू ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बीइंग टोल्ड टू होल्ड द अदर कॉलेज एग्जाम्स टू डिले देम और टू लेट द स्टूडेंट्स बी पास्ड, वी आर टोल्ड नो। नाउ आई थिंक इफ एज ममता जी सजेस्टेड ऑल ऑफ अस स्टेट्स टेक दिस अप कंबाइंड विद द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइट इट आउट देयर एंड लेट्स ट्राई एंड सी द
that the Supreme Court, which has so far given a negative opinion, may on a review petition may listen to us, because we are all concerned. We are not. I mean, we would like to have the exams. We would like the children to pass. But how can I bring the children to school when I'm running a crisis in the state because of this COVID? ऐसे संकट के समय परीक्षाओं को आगे postpone करने की मांग student कर रहे हैं. कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान देगी और स्टूडेंट्स की आवाज को सुनेगी. ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी. इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन.